सेट पे बकचोदी करनी मैंने बंद कर दी मेरा एक सीन है उसके अंदर एक तो तेरा लास्ट में जो रोने वाला है लास्ट एलेवेंथ एपिसोड ठीक है उसमें जो लास्ट में रोता हूँ उस टाइम पे मैंने बर्फ़ी को इमेजिन किया था क्योंकि 2020 में उसकी डेथ हो गई थी उस टाइम मैं उस जोन में गया कि मेरे को उस टाइम क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड हिटिंग वही चीज़ लगी थी तो मैंने ईयरफोन्स लगाए मैंने जितने सेंट गाने होते सब सुने जितने सेंट ही होते हैं पहन भाई बिल्कुल भाई मैं ऐसा ठंडा पड़ गया था तेरे को पता है सेट के बाद भी ना मेरा पैक लास्ट डे था वो मेरा मेरा पैकअप था भाई मेरा मूड नहीं सही हुआ केक कटिंग करी ना जब जाके थोड़ा फील बेटर हुआ था मेरे को इतना लो हो गया था ना शरीर इतना लो हो गया था ना तो वो होता है मूवमेंट में आपका बन जाता है तो मैंने हेडफोन में गाने सुने और मैं हेड डाउन करके बस इमेजिन कर रहा हूँ मैं बात नहीं कर कि जब, नहीं नहीं रहा किसी से इमेजिन जब जब चल रहा होता है तब भी कोई बैकग्राउंड स्कोर रहता है उस इमोशनल चीज को लेने के लिए या नहीं होता नहीं 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 भाला खुद से ही तुम्हारे ऊपर मैं इस वाले जब लास्ट में बाथरूम में जो रोया था ना मेरा वीडियो पड़ी है प्रेम चिल्ला रहा है कट 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 मुझे सुन ही नहीं रहा मैं रोए जा रहा हूँ रोए जा रहा हूँ रोए जा रहा हूँ भाई तेरी बात सुन के ना अब लग रहा है कि जो एक्टर्स बताते हैं मैं कमरे में बंद हुआ था हाँ। मैं नहीं कर हाँ। रहा था और, हाँ। और हम लोग भी आपस में बात करते थे कि ये नाटक कर रहे बना नहीं, रहे नहीं भाई बात सुन के ऐसे नहीं कहूंगा की मैंने भी उन्हीं का सीख के करा है भाई भाई जो कहते हैं उनका होता है फर्क होता है मैं हम एक आगे वीडियो भी प्लान कर रहे हैं कि भाई वो हम थोड़ा उनपे स्लम एरिया होता है ना उन पर वीडियो बना रहे हैं एक तो स्लम एरिया में भाई मेरा जो करेक्टर स्लम एरिया का है तो भाई मैं मैं ऐसी शक्ल के साथ नहीं कर पाऊंगा भाई मैं पंद्रह बीस उनके साथ रहूँगा पंद्रह बीस दिन मेरे को रहना पड़ेगा ताकि मेरे को उनके भाई रहन वो तो आए थोड़ा कैसे चलते हैं कैसे उठते हैं वो कैसे बात करते हैं वो तो भाई करना तो है तो बहुत होने वाला है ना अगर आप एजे एक्टर नहीं अपनी पोटेंशियल नहीं दिखाओगे ना भाई फिर आपको कोई खरीदेगा नहीं आपको बिकना है भाई बस आपको स्क्रीन पर कैसे सही चीज़ है